कम कम कम। तो गाइस आज मैंने केक बनाया है विदाउट ओवन, एग केक बनाया है, बहुत ही यम लग रहा है। तो गाइस ये केक की बैक साइड है और आप लोग देख सकते हो कितना जबरदस्त बना है और बहुत सॉफ्ट है। तो लो अभी फ्रंट से कुछ इस तरह से है, अब हम इसको कट करते हैं। तो इसका मैंने पीस किया, आप लोग पीस देख सकते हो कितना परफेक्ट केक बना है, बहुत सॉफ्ट बना है और बहुत मज़े का बना है। डिज़ाइन थोड़ा इसका अजीब सा ही है लेकिन केक बहुत मज़े का है। तो गाइस अभी मैं बनाने लगी हूँ चिकन बिरयानी, जिसके लिए प्याज़ों को मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउन कर लिया है और यहाँ पर चावल बॉयल करने के लिए मसाले वगैरह डाल के पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। अभी प्याज डन हो गया, इनको मैं निकालने लगी हूँ। तो भाई यहाँ पर बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं थोड़ा सा ऑयल निकालूँगी जो बिरयानी जब डन हो जाएगी दम पर रखने से पहले उस पर डालूँगी, और चावल भी बॉयल हो चुके हैं। तो भाई सब कुछ असेंबल मैंने कर दिया है, बिरयानी बिल्कुल रेडी है दम पर जाने के लिए। कलर भी इस पर मैंने डाल दिया है, ऑयल भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिया है, और वैसे अमूमन मैं एक लेमन के स्लाइस करके वो भी ऊपर रख देती हूँ लेकिन आज मैंने नहीं रखा और बस इसको कवर करके रख देंगे। तो मैंने ना फेसबुक पे गुलाब जामुन की रेसिपी देखी, काफ़ी ज़्यादा मुझे इजी लगी, मैंने सोचा आज मैं बना के देखती हूँ कैसे बनते हैं और फिर आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कैसे बने कैसे नहीं। और सबसे पहले तो एक कप सूजी का ले लिया मैंने, उसको अच्छे से मैंने दूध के साथ पका लिया और फिर उसके ठंडा होने का इंतज़ार किया। फिर छोटे छोटे गोल गोल राउंड राउंड लड्डू बना लिए, उनको फिर ऑयल में फ्राई कर लिया, साथ में इधर शीरा बना लिया मैंने। और ये देखें ये फाइनल लुक है रसगुल्लों की, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी इनको रख देंगे 8 घंटे के लिए और फिर टेस्ट करेंगे ये कैसे बने हैं कैसे नहीं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए, आ जाओ काम। हाँ ताल होगी ये ताल होगी। तो आज पहली बार मैंने आइस केक बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है और बहुत मज़े का भी बना है। मैंने ये वॉइस ओवर खाने के बाद कर रही हूँ, बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जैसा हम लोग बाहर से लेते हैं ना शॉप वगैरह से रेडीमेड, बिल्कुल वैसा था। लुक पर ना जाएं, लुक इसका अच्छा नहीं, अजीब सा ही लुक हो गया है। तो अभी मैं नान बनाने लगी हूँ। नान बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने नान के जो आटा था ना वो गूंथ के रख दिया था, ये मेरे ख्याल से कोई 12 पेड़े हैं नान के, बहुत मज़े के नान बनते हैं घर में, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इतने अच्छे नान बना लेती हूँ। ये 12 नान के पेड़े हैं, इनको नान पहले मैंने आटा गूंथ के रख दिया था 4-5 घंटे के लिए और फिर पेड़े करके मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिए थे, फिर इनको अच्छे से बेल लिया है और इस तरह से ना फ्राई पैन में मैं बनाती हूँ, इसको उल्टा कर देती हूँ और बहुत ही ईजी तरीके से नान हमारे घर में रेडी हो जाते हैं। और ये देखें नान बिल्कुल रेडी हैं, इन पे वाइट तेल लैंड पे लगा देते हैं और फिर इस पे देसी घी में लगा देती हूँ और बहुत मज़े के लगते हैं गाइस नान। तो बस नान रेडी हैं और अब हम बस खाना वाना लगाएंगे, खाना वाना खाएंगे उसके बाद मिलते हैं। ए लड़की अपना लॉलीपॉप बिल्ली को क्यों खिलाने लगी थी बीहा? बीहा ये ऐसे काम क्यों करती है? ऐसे काम क्यों करती है? अपना लॉलीपॉप कैट को क्यों खिलाने लगी थी? कैटो 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 भी लॉलीपॉप खाती है? हैं? कैटो तो बस डुडू पीती है, सॉसेज खाती है, चिकन खाती है। मेरी बेटी जब भी नाश्ता करती है ना कैट को भी साथ कराती है ना, जल्दी जल्दी प्लेट में से ना अपना सैंडविच हो या फिर बीहा का पैनकेक हो जो भी हो ना बीहा नीचे फेंकती रहती है जुई के लिए। तो
तो अभी मैं स्नैक बनाने लगी थी अभी है और अपने लिए, और उसके लिए मैं फ्राइज़ बनाने लगी हूँ। ये फ्राइज़ का मैं ना सुपरमार्केट से बड़ा पैकेट लेके आई थी, ये बहुत मज़े की बनती है घर से ज़्यादा ना, इस तरह से जो पैकेट में कटी होती है ना वो फ्राइज़ ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं फ्राइज़ बनाना। तो भाई एक बॉल ले लिया है फ्राइज़ का मैंने, और मैं ना पैकेट को काटती हूँ तिरछा ताकि मैं इसको गिठान दूँ तो अच्छे से गिठान आ जाए, और फिर इसको हम दोबारा रिस्टोर कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर सारी फ्राइज़ मैंने ऑयल में डाल दी है और फ्लेम थोड़ा हाई रखा है क्योंकि ये फ्रोज़न है ना, तो इसलिए फ्लेम को हमें थोड़ा हाई ही रखना है। भाई इस फ्राइज़ को इस तरह से ना मैंने गिठान दे के रख दिया है, और अब इसको हम दोबारा फ्रिज में रख देते हैं। तो भाई 6 से 7 मिनट में फ्राइज़ हमारे बिल्कुल रेडी है, और आप लोग देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी फ्राइज़ हमारी रेडी है। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। तो साथ में मैं ये फ़िश ले रही हूँ, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इतनी मज़े की ये फ़िश होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। देख सकते हैं आप लोग इस तरह से अंदर से होती है, 2 पीस होते हैं इसमें फ़िश के छोटे छोटे, और इसको अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इसको आप अपने साथ लेके जा सकते हो इजीली। बस इसको आप खोलो और ब्रेड पे लगा के खा लो, वैसे खानी है तो वैसे खा लो। यहाँ पर जितने भी लबनी है ना तो वो ज़्यादातर ऐसी फ्रोज़न चीज़ें खाते हैं, तो यार ये बहुत मज़े की है। तो भाई मज़ेदार सी फ्राइज़ भी हमने डिश आउट कर ली है और साथ में फ़िश कर ली है, अभी बस खाते हैं। नमक इस पर थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे। तो गाइस अभी ना मैंने आधा को आवाज़ लगाई है कि आधा कम गिव मी स्मॉल प्लेट। अच्छा वो मुझे प्लेट दे के गई है, मैं वो इधर रख के गई है, मैंने इसको नहीं बोला प्लेट में फ्राइज़ डालो। अभी हाँ मैडम यहाँ से फ्राइज़ उठा उठा के छोटी प्लेट में डाली जा रही है। ए बिचू किसके लिए डाल रही है छोटी प्लेट में, हैं छोटी प्लेट में किसके लिए फ्राइज़ डाल रही हैं आप? अभी हाँ मैडम इतनी भर दी है। ए लक्की जीजू जीजू उस प्लेट में किसके लिए डाल रही है, हैं यार मम्मा बादो चीजू मम्मा बादो चीजू अपनी मस्ती में है। इतना रोना क्यों डाला था हैं? ए लड़की चीचू इतना रोना क्यों डाला था तूने, क्यों इतनी आई आई करती है भैया? भैया इतना रोना क्यों डाला था तूने, गंदे बच्चा गन्ना बच्चा है। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और अभिया का भी मैं जस्ट ब्रेकफास्ट बनाकर लेके आई हूँ, और अभिया का ब्रेकफास्ट बहुत मज़े का मैं बनाती हूँ। इसमें एक अंडा डालती हूँ, एक चम्मच मैं इसमें आटे का डाल देती हूँ या बेसन का या मैदे का, और साथ में काली मिर्च नमक और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दूध डाल के। तो गाइस अभिया मेरे हाथ में मोबाइल नहीं छोड़ रही, मैं ये गेम खेल रही थी कैट वाली मुझसे लेके इधर बैठी हुई है, आती जाती इसको है नहीं गेम खेलनी और ना कैट से बात करनी आती है, और मोबाइल छोड़ नहीं रही मेरा। अभी हाँ मामा को दे दे, मामा गेम खेल ले। ए लड़की मामा को दे दे। बिचू बिचू प्यारी बेटी, अभी अभिया ने मैंगो खाया है और मैं अभिया को नाई नाई करा के लेके आई हूँ। अभिया ने शाला अपना मुंह गंदा कर लिया था, हैंड गंदे कर लिए थे, शाला लगा दिया था मैंगो। अभिया मैंगो शौक से खाती है, अभिया को मैंगो अच्छा लगता है ना, अभिया आपको मैंगो अच्छा लगता है? तो अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी हूँ। कल मैंने नान बना के रख दिए थे और अभी सुबह उठ के मैंने बेसन का मसाला बनाया है। इसमें मैंने ना हरी मिर्च डाली है, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, धनिया और ज़ीरा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब नान को हम इसके अंदर डिप करेंगे अच्छे से दोनों साइडों को, और फिर हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। यकीन माने
इतने मज़े के ये नान बनते हैं ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं। मज़ा आ जाता है ब्रेकफास्ट करने का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलें करते हैं स्टार्ट बनाना। इस तरह से दोनों तरफ से मैंने ना इसको अच्छे से डिप कर लिया है और आप लोग देख सकते हो। अब हम ऑयल को रख देंगे गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम नान को डाल देंगे और मेक श्योर करेंगे कि मीडियम फ्लेम पर हम बनाएँ, ज़्यादा फ्लेम हाई ना हो। अच्छे से हमारा नान कुक हो जाना चाहिए, दोनों तरफ से फ्राई हो जाएगा। अभी एक साइड से अच्छे से जैसे ही हो जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तब तक दूसरा नान को जो ना डिप करके रख देंगे बेसन के मसाले के अंदर। तो एक फ्राई हो रहा है, दूसरे को मैंने डिप कर दिया अच्छे से बैक साइड को, फिर चेंज साइड कर देंगे इसकी। दोनों तरफ से अच्छे से डिप करके रख लेंगे इसको एक मिनट तक, जब तक हमारा पहले वाला नान रेडी नहीं होता, फ्राई नहीं होता, तब तक दूसरे को हम सोक करके रखेंगे बेसन के मसाले में। यहाँ पर पहला जो हमारा नान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल रेडी है और बहुत ही क्रिस्पी सा, सॉफ्ट सा, मज़ेदार सा नान हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बस आगे से ना मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा था तो फिर इसको मैंने और पकाया। यहाँ पर फाइनल लुक है नान की, ये आप लोग देख सकते हो। इसको आप रायते के साथ खा सकते हो, मुझे चाय के साथ ज़्यादा मज़े का लगता है, मैं चाय के साथ खाने लगी। कीड़ी मामा को कुछ करने देगी या नहीं? मेरे पीछे पीछे घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। क्या है, क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मामा पीछे कुकू घूमी जा रही है। मामा उठा ले तुझे, बस मेरी क्यूटी बेटी, मेरी क्यूटी बेटी, आ जाओ आ जाओ, मम्मा उठा लेती है। आ जाओ आ जाओ।